हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। इसके लिए हमें चाहिए बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन। और हमें शिमला मिर्च को ऐसे कट कर लेना है, इसे बिल्कुल बारीक काटना। फ्रेंड्स, आप मैंने बंद गोभी को काट लिया है। अगर इसको बहुत ही बारीक काटना है, अगर ऐसे नहीं कट रहा है तो फिर आप इसको ग्लास की मदद से भी काट सकते हैं। ये है देसी तरीका। देखिए फ्रेंड्स, कैसे हम इसको काट रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको महीन महीन काट लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा पानी निकाल दे और हमारे बॉल्स अच्छी तरह से बन जाए, नहीं तो हमें मैदा ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। अब हम इसमें नमक ऐड करके इसको रख देंगे ताकि 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। अब हम शिमला मिर्च को और बारीक काट लेंगे ताकि हमारे बॉल्स अच्छी तरह से बन जाएँ और टेस्ट अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, अब 10 मिनट हो चुके हैं, इसका सारा एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज को ऐड कर दिए हैं और अदरक भी ऐड कर दिए हैं, लहसुन भी। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम बॉल्स बना लेंगे। आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि नमक पहले से इसमें पड़ा हुआ था, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच आरारोट पाउडर, आधा बड़ा चम्मच हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम अलग से इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये सारी सब्जी वेजिटेबल्स हैं, ये सारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मिलने लगा है, ये बॉल्स बनाने के लिए रेडी हो चुका है। एक चम्मच हम सोया सॉस इसमें मिलाएंगे, एक छोटा चम्मच इसमें हम चिली सॉस डालेंगे, एक छोटा चम्मच हम टमाटो सॉस इसमें मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने बॉल बना लिए हैं, अब इनको हम तेल में पका लेंगे। अब हम अपने बॉल्स को तेल में पका लेंगे। अब हम इन्हें ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैंने इसमें लहसुन डाला है, चटनी बनाने के लिए लहसुन डाले हैं एक चम्मच अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे और इसे हम हल्का पकाएंगे। एक चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लेवर ऐड करेंगे चटनी बनाने के लिए और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। सब्जियों को ऐड कर दिया है, इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, भूनेंगे नहीं। हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे और क्योंकि इसमें नमक पहले से ही ऐड है तो इसमें ज़्यादा नमक हम नहीं लगाएंगे। उसको चेक करने के बाद जैसा हमें स्वाद में लगेगा उसी अनुसार उसको ऐड करेंगे। एक चम्मच हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, एक चम्मच इसमें हम टमाटो सॉस ऐड करेंगे